आज हम बनाते हैं घेवर। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा ले लेते हैं। एक कटोर हमने मैदा ले लिया है और इसको हम डाल देते हैं मिक्सी के जार में। और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 3 चम्मच घी डाल देती हूँ। चम्मच थोड़ी बड़ा है। आधी गिलास में इसमें ठंडा पानी डाल देती हूँ और अभी दोनों को मिला लेते हैं। घी को हमने मिला लिया है और इसमें हम डालेंगे अब मैदा और थोड़ी सी डालेंगे ठंडा पानी, थोड़ी दूध और इस सब को मिला लेंगे। ये देख लो फ्रेंड्स, अब ये मिक्स हो गया है। इसको एक बाउल में पलटेंगे और साथ साथ में इसमें थोड़ी सी पानी भी मिला देंगे, ठंडा पानी। इस बैटर को हम इसमें बॉटल में डाल देते हैं और बॉटल में ढक्कन लगा लेते हैं। एक छेद कर दिया बॉटल में और अब कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई तेल गर्म हो चुका है और अब इसमें बनाना शुरू कर देते हैं घीवर। ये देखना फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तेल हमने अच्छे से गर्म किया था और ये फटाफट बनने लग गया है। और अब इसको हम निकाल लेते हैं, एक को इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और इसमें थाली में रख लेते हैं और फिर से दूसरा बनाएंगे। ये लीजिए फ्रेंड, दूसरा भी हमारा बन चुका है। इसको थोड़ी बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने दूसरा भी बना लिया है और ये हो चुका है। इसको भी हम अब निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमने 3-4 घेवर बना लिए हैं। इसी तरीके से हमने सब घेवर बना लिए हैं और अब हम चाशनी बनाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले पानी रख दिया है यहाँ पर ही। इसमें मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दिया है और अब ये चाशनी बनेगा, तब तक मैं इसके लिए रबड़ी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर दूध गर्म होने के लिए रखा है। दूध को हमें इतना पकाना है कि ये 1/4 हो जाए। ये रबड़ी भी हमारी बन चुकी है। सबसे पहले हम इसमें चाशनी लगा लेते हैं। चाशनी को मैं इसमें चम्मच की मदद से लगाएंगे ताकि ज़्यादा मीठा ना हो, हमें खुद खाना है, इसलिए कम कम लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें डुबा सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऊपर से रबड़ी लगा लेंगे चारों तरफ से। इस तरीके से हमने इसमें रबड़ी लगा लिया है और आप थोड़ी सी हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे ऊपर से। ये देखना फ्रेंड्स, अभी मैंने दोनों में ही लगा रखे हैं क्योंकि मुझे इतनी की ही ज़रूरत है। और जब हम खाना होगा तो दोबारा इसको फिर से हम ऐसे ही बना लेंगे और इसको हम हफ्तों तक खा सकते हैं। घेवर बन के हमारी रेडी है। देखना फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये घेवर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।